हेलो दोस्तों, एडवांस कंपनी का 14 इंची कटिंग मशीन, इसमें बैरिंग जैम हो गया है, मेरे पास लेके आए रिपेयर करने के लिए। आपके साथ हम रियल में शेयर करते हैं। लॉक हो गया, घूम नहीं रहा, ठीक है। और एडवांस कंपनी का जो मशीन है, देखिए इसमें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये मशीन है, देखिए इसको हम आज खोलेंगे। पहले हमें क्या करना है, इसमें हमें इसका लॉक कहाँ पे है, इसमें यहाँ से लॉक देखिए मैंने इसको तो बाहर किया है, तो गियर बाहर हो गया है। देखिए ऐसे गियर बॉक्स है ना, इसको बाहर मैंने किया है, तो बड़े से मूव नहीं हो रहा है, कहाँ से अटक रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम है, कभी कभी इसमें अटक रहा है, तो इसको चेंज करना बैरिंग वाला। तो पहले हम इसको ओपन करते हैं, बाहर नहीं हो रहा है। इसको बाहर करने के लिए और एक टेक्निक होता है, तो क्या टेक्निक है, बाहर कर रहे हैं इसको। एक पीछे वाला जो बैक कवर है ना, ऐसे जो पीछे वाला बैक कवर है, इसको हमें खोलना है। इसमें देखिए, इसमें जो एयर को खींचने के लिए होता है ना, इसको थोड़ा डस्ट भर गया, इसको ठीक कर लेना है, ठीक है। इसमें नहीं तो आपको यार बाहर नहीं जाएगा। तो पीछे वाला बैरिंग तो हम इसको टक्कर मार के, पीछे वाला जो बड़े बैरिंग है ना, इसको टक्कर मार के बाहर करना है। तो ये पीछे वाला सेप अच्छा नहीं है, तो इसमें बहुत ही लाइट बनाया है,
आपको सस्ते में देता है ना तो लाइटिंग बना देता है, उसको टक्कर मार कर खोलना है। धीरे से इसको टक्कर मारेगा ना बाहर हो जाएगा, टक्कर मारेगा तो बाहर हो जाएगा। जैसे टक्कर मारेंगे इसको बाहर हो जाएगा। इसको हाँ पाँव में आपको सपोर्ट देके रखना है, ठीक है। बढ़िया से बाहर हो गया, देखिए बढ़िया से बाहर हो गया, सपोर्ट देके रखना है, रख लीजिए बढ़िया से बाहर हो गया, बढ़िया से बाहर हो गया, घंटे भी बाहर कर लिया, ये तो बढ़िया से बाहर हो जाएगा, थोड़ा सा टक्कर मारने पर बाहर हो जाएगा। कितना बड़ा आर्मेचर है, बाहर हो गया ना बढ़िया से, तो पीछे वाला जो बैरिंग है ना वो सीज हो गया, इसी वजह से घूम नहीं रहा, ठीक है। देखा बासो टैग वाला जो बैरिंग है ना ये सीज हो गया, इसको भैया हमें बाहर कर लिया है। और ए वाला बैरिंग जो ना बढ़िया से मूव कर रहा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, तो फिर भी हम इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। और पीछे वाला आर्मेचर बिल्कुल देखिए बहुत ही बढ़िया है, शानदार है बिल्कुल। तो ये जो लाइट मशीन आपने खरीद लेते देखिए, तो इसमें जो बॉडी है ना बहुत ही लाइट है बॉस, ठीक है। आप सस्ते में मशीन खरीदते हो, आपको एक अच्छा वाला मशीन खरीदना है, इंको का मशीन खरीद सकते हो, बहुत ही हैवी है। इसमें देखिए बैरिंग प्लस क्या हदिया है, तो मशीन ने इसमें बॉडी है ना बहुत ही लाइट बनाया, देखिए कितना लाइट है भाई। तो आप सस्ते वाला मशीन खरीद लेते हो ना, देखिए चाइनीज़ वाला कंपनी तो बहुत सारे होता है, देखिए बहुत ही लाइट है, तो आपको ऐसे मशीन खरीदना है। इसको थोड़ा साइड में करते हैं, तो इसको हमें साफ सफाई करना है, तो उसमें गियर बॉक्स में थोड़ा बैरिंग भी खराब है, उसको भी चेंज करना है। घुमा के मैंने चेक कर लिया, इसमें बैरिंग थोड़ा थोड़ा अटक रहा है, तो बैरिंग को हम पहले ओपन करते हैं, तो इनर सर्कलिप से हम उसको बड़ा करके थोड़ा बाहर करके उसको ओपन कर लेते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस में बैरिंग को हम ओपन करेंगे, तो इसको एक नया कुछ दिखाते हैं आपको, इसको खोलने के लिए क्या चाहिए, इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर ही जाएगा, जा रहा है, तो इसको अंदर इसके अंदर नहीं जाएगा, तो ऐसे कुछ हमें चाहिए जो इसके अंदर इसको रख के ना हम इसको प्रेशर करेगा ना चला जाएगा, देखते हैं कैसे बैठाते हैं। वो तो मेरा टॉली का तो ये बोलने के पास चले
के मदद से हम उसको बाहर कर सकते हैं। देखिए कूलर के मदद से हम धीरे धीरे करके इसको बाहर कर लेते हैं। बड़े से ओपन हो गया है। हाई प्रेस में इसको बाहर करने की कोशिश किया, बड़े से बाहर नहीं हुआ। बाहर नहीं होने का कारण है इसमें की था तो मैंने इसको देखा नहीं। कभी कभार लापरवाही हो जाता है, तो आपको लापरवाही जब भी होता है आपको उसमें ज़बरदस्ती नहीं करना है, उसमें क्या हो रहा है आपको देखना है। तो दूसरे जो आइडिया होता है आपको तुरंत काम में लगाना है। तो मेरा जो भी काम होता है, जो रियल होता है, आपके साथ शेयर करते हैं। इसमें की को हम बाहर करते हैं, उसके बाद धीरे से हाइड्रोलिक प्रेस में इसको प्रेशर दे के स्पैंडल बैरिंग को बाहर कर लेंगे। तो आप जब भी काम करते हो तो आपको मन में हर टाइम अलग अलग सोच होना चाहिए, अलग अलग टेक्निक खोजना चाहिए। मेरा जो रियल काम है आपके साथ क्यों शेयर करता हूँ, मेरे जैसे आपको काम करना है। तो मेरे जितना दिन जीता हो आपके साथ हम शेयर करते हैं कैसे काम करना चाहिए, तो रियल काम आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मेरा अपना काम है, तो हर रोज़ मेरे साथ ऐसे काम होते हैं, तो आपको मेरे जैसा काम सीखना है तो बढ़िया से बढ़िया काम आप कर पाओगे। देखिए हाइड्रोलिक प्रेस में बढ़िया से इसको ओपन कर लेते हैं। पहले ओपन नहीं हो रहा था, इसमें की था, की में अटक रहा था, इसी वजह से बड़े से ओपन नहीं हो रहा था। अभी बड़े से ओपन हो गया। बैरिंग को हमें ओपन करना है, तो उसमें सही पाइप हमें डालना है, उसके अंदर बैठ जाए। तो बड़े से बैठाने के बाद हम धीरे से हाइड्रोलिक प्रेस में प्रेस करने पर बड़े से बैरिंग बाहर आ जाएगा। देखिए बहुत इजी ओपन हो गया है।
बैरिंग गियर स्पैंडल बढ़िया से ओपन हो गया है, तो इसमें हम नया बैरिंग फिटिंग करेंगे। इसमें हम तीनों बैरिंग फिटिंग करेंगे नया। बड़े वाले बैरिंग का साइज है 6204, आर्मेचर का आगे वाला बैरिंग का साइज है 6202, पीछे वाला बैरिंग का साइज है 6201। पुलर के मदद से बैरिंग को हम ओपन कर लेते हैं। টাইট হওয়ার কথা কেন, তো টাইট তো হয় থাই। দেখি গেছে কাল সালা বেড়াই দেখি এতনা টাইট কেসে হো গে। कैसे हो गया
बैरिंग बहुत ज़्यादा जैम हो गया, तो पुलर की मदद से बहुत मेहनत करने के बाद ओपन हुआ। ये होने का कारण है बैरिंग जब जैम हो गया था बहुत ज़्यादा हीट हुआ है, हीट होने से इसमें लॉक हो गया है तो बड़े से बाहर नहीं हुआ। तो मैं अच्छे से साफ़ सफाई करके देख रहा हूँ, इसे जो बैरिंग है ना किसी ने इसको ज़बरदस्ती फिटिंग की है, न बैरिंग जैम होने से ऐसे लॉक हो गया। तो बैरिंग जैम होने से इसमें लॉक हुआ है, तो देखिए बैरिंग कितना ज़्यादा जैम है, घुमा नहीं पा रहा, बहुत ज़्यादा हीट हुआ तब इसमें फिक्स्ड हो गया। तो पुलर के मदद से बहुत मेहनत करने के बाद मैंने इसको बाहर किया है, तो जो रियल में होता है ना आपके साथ मैंने शेयर किया। तो आपको काम सिखाना है, जितने भी तकलीफ होता है आपको देखना चाहिए, मेरे रियल काम आपके साथ हम हर रोज़ शेयर करेंगे। तो इसमें तीनों बैरिंग चेंज करेंगे। देखिए बैरिंग का साइज, तो ए बैरिंग मेरे पास बहुत ही पुराना था तो रखा हुआ था, और बैरिंग को हम ओपन करते हैं तो बैरिंग को फिटिंग कर लेंगे, तो बहुत दिन से रखा हुआ था तो आज कुछ काम में आएंगे, तो बैरिंग को हम हाइड्रोलिक प्रेस में फिट करेंगे। गियर बहुत इजी फिट हो गया, फेविक्विक देखिए हमें इसको फिट करना है। तो फेविक्विक देखिए जब फिट कर रहा था थोड़ा टाइम लग गया, उसमें सूख गया, कितना मेहनत लगा आपके साथ हमने शेयर कर रहे हो।
बड़े से फिटिंग हो गया है, तो इसमें सर्किल हमें फिट करना है। सर्किल मैंने बड़ा कर दिया था, तो प्लस का मतलब थोड़ा छोटा करते हैं, उसके बाद इसको फिटिंग कर लेते हैं। आर्मेचर में हम बैरिंग फिटिंग करेंगे, तो हॉलोलॉग प्रेस की मदद से बैरिंग को हम फिट कर लेते हैं। इसमें हमें सही माप की पाइप हमें ढूंढना है, तो उसके बाद बैठाने के बाद हम धीरे से इसको प्रेस करके इसको फिट कर सकते हैं। तो इसमें मेरे पास पाइप नहीं है, तो हम कैसे फिट करते हैं तो आपके साथ शेयर करते हैं। तो पाइप को हम हटा लेते हैं, इसमें कुछ अलग कुछ जुगाड़ बना के उसमें सेटिंग करके हमें उसको ओपन करना है। तो अभी इसमें ठीक बैठ गया है, तो धीरे से इसको प्रेस करके बैठा लेते हैं। दोनों बैरिंग बड़े से फिट हो गया, बड़े से मूव हो रहा है। तो आपके पास हाइड्रोलिक प्रेस मशीन रहेगा तो बड़े से आप फिट कर पाओगे। आर्मेचर गियर में बैरिंग बड़े से फिट हो गया है, अब बड़े से मूव भी कर रहा है, तो मशीन को हम फिट कर लेते हैं। जो छोटे छोटे छेद होता है ना, उसको हमें थोड़ा बड़ा करना है। तो मेरा रियल काम है उसमें छोटे बड़े जो भी प्रॉब्लम होता है हम उसको ठीक करते हैं, तो करना चाहिए। तो इसमें एयर जब खींचेंगे ना, तो अंदर बड़े से एयर नहीं जाएगा तो मशीन बहुत ज़्यादा हीट करेगा, उसको आपको देखना है, देख के उसको ठीक करना है। बड़े
बड़े से ठीक हो गया है, इसमें गैप भी बड़े से बन गया है, तो हम इसको फिट कर लेते हैं। इसको हम ऐसे इसको प्रेशर हिट करेंगे ना तो टूट जाएगा, तो इसको ही हमें प्रेशर हिट कर दिया। तो आपको इसमें सेंटर में देखिए, इसमें हम इसको थोड़ा सा टक्कर मार के इसको बैठाया है, ज़्यादातर नहीं जाएगा, तो बड़े से बैठ गया है, बड़े से मूव हो रहा है। ठीक है, आपको फिटिंग हो जाने के बाद इसमें आपको मूव करके देखना है। ठीक है, हम इसको फ्लैश लाइट ऑन करते हैं, तो देखिए इसमें बहुत ही ज़्यादा हेवी है, इसको घूम रहा है, देखिए बड़े से मूव कर रहा है, तो फिटिंग बड़े से हो गया है। तो इसमें हम जेल ग्रीस डाल के इसमें ग्रीस गियर को बैठा लेते हैं। गड़बड़ कर दिया, इसको फिटिंग करना भूल गया, फिर से खोलना पड़ेगा, इसको फिटिंग कर लेते उसके बाद खोलेंगे। मशीन जब फिटिंग कर रहा था, मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया, देखा नहीं फैन गार्ड हमें फिटिंग करना था, तो मशीन को मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद इसको फैन गार्ड को हम फिट कर लेते हैं, उसके बाद हम फिटिंग करते हैं। तो जब भी हम काम करते हैं, कभी कभार छोटे से छोटे पेयर पास हम छोड़ देते हैं, उसको देखते नहीं हैं, तो फिटिंग कर देते, बड़े से फिटिंग तो हो जाता है, फिर से हमें उसको खोलना पड़ता है, तो फिर से हमें फिटिंग करना है। तो जो रियल में हुआ है ना, तो आपके साथ मैंने शेयर किया है, तो उसको काट कर सकते थे। तो जो गलती गलती है, सो किसी से हो, मेरे से हो, चाहे दूसरे से हो, तो आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। तो धीरे से देख के हम उसको फिट कर लेते हैं। सभी को एक चीज़ नोटिस करना है, देखिए अभी तो बड़े से मूव हो रहा है, तो जब इसको हम फिटिंग करेंगे ना, ऊपर वाला जो कवर होता है, उस कवर में स्क्रू डाल के जब हमें फिटिंग करेंगे, उसमें बड़े से फिटिंग नहीं होगा। तो इसमें जो बोल्ट है ना, वो थोड़ा ख़राब था, मैंने सोचा CM4 मार्बल कटिंग मशीन में जो बोल्ट फिटिंग होता है, उसको हम फिटिंग कर सकते हैं। मैंने देखा बहुत ही छोटे हैं, इसमें फिट नहीं हो रहा है। तो जो
बोल्ट उसमें फिट हो रहा था उसी को हमें फिटिंग करना है। उसमें जब चारों बोल्ट फिटिंग कर रहा था तो फिटिंग जब हो रहा था थोड़ा सा टाइट करने पर उसमें बहुत ज़्यादा जैम हो रहा था। तो इसमें फिटिंग्स में प्रॉब्लम है। जो भी सस्ते में चाइनीज़ वाला मशीन मिलते हैं आप तो सस्ते में खरीद लेते हो, इसमें जितने भी पेयर पास दिए हैं पेयर पास बहुत ही लाइट है और इसमें फिटिंग्स भी बढ़िया से नहीं हो रहा है। तो इसमें स्क्रू नहीं डाल के आप इसको घुमाएंगे तो बढ़िया से मूव करेगा और स्क्रू डालने के बाद बड़े से मूव नहीं करेगा। तो आपके साथ हम रियल में शेयर करते हैं, वीडियो को अच्छे से देखिए। टाइट हो गया, कैसे हो गया टाइट? बोलो बोलो, टाइट हो गया। দেয়াল কি কাটছিল? ঢালাই ঢালাই। फी तो ना काटने के बाद ये सला फी नहीं घूम रहा, तो कहाँ पर टीना है तो उसको ठीक से बैठना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बैठ गया है, मशीन बड़े से मूव नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो सकता है पता नहीं है। मैंने पीछे से इसको टक्कर मार के इसको फ्री करने की कोशिश करते हैं। मैं उसको फ्री करने की कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके उसको घुमा रहे हैं तो पहले जैसे मूव हो रहा था ऐसे मूव नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है मेरे को पता नहीं है। तो आप सस्ते वाला जो भी मशीन खरीदते हो आपको लगता है उसमें सस्ते में दिए जा रहा है उसमें बहुत ही अच्छे मशीन मिलेंगे, ऐसे नहीं है। तो इसमें पहले से ही प्रॉब्लम था, इसी वजह से बैरिंग थोड़ा जैम हुआ है। मशीन जब भी चलते हैं उसमें थोड़ा लोड पड़ते हैं तो मशीन बड़े से मूव नहीं हो रहा है। देखिए उसमें स्क्रू को हम ओपन कर देंगे ना थोड़ा सा तो उसमें फ्री घूमने लगेंगे, तो उसमें फिटिंग्स में प्रॉब्लम है तो हमें उसको ठीक करना है। तो मेरे से जितना होता है हम उसको कोशिश करें हैं उसको फिटिंग करने की। तो इसमें कार्बन फिटिंग करने के बाद मशीन को चला के देखते हैं। तो इसमें कवर भी हम फिटिंग करेंगे तो आपको जब चलाएंगे देख नहीं पाएंगे, तो कार्बन को हम फिट कर लेते हैं।
सीन जब भी चलाने की कोशिश किया बड़े से चल नहीं रहा। तो मैंने इसको देख रहे हैं उसमें क्या हुआ रहा है, मैंने देखा इसमें एक साइड से कार्बन फिट हो रहा है, दूसरे साइड से कार्बन फिटिंग नहीं हो रहा है। तो कार्बन को बड़े से बाहर करके उसको थोड़ा सा घिसने के बाद उसको फिटिंग करना है तो बड़े से फिट हो जाएगा। तो उसमें कहाँ अटक रहा है, हो सकता है ऐसा प्रॉब्लम कभी कभार होता है। तो कार्बन को ओपन करते हैं उसके बाद तो कार्बन को ठीक करके फिटिंग करेंगे। चल रहा है मशीन बड़े से चल रहा है, उसमें साउंड भी ठीक है। तो मशीन में फिटिंग्स में थोड़ा प्रॉब्लम है, मशीन फ्री नहीं है तो इसको हम ज़बरदस्ती से चला रहे हैं। तो ऐसे चलेंगे तो बैरिंग थोड़ा दिन चलेगा उसके बाद फिर से ख़राब हो जाएगा। तो इसमें फिटिंग्स में प्रॉब्लम है। तो आप एक अच्छा वाला मशीन खरीदना है, आपको चाइनीज़ भी खरीदना है तो इंको कंपनी का मशीन खरीद सकते हो, उसका वीडियो में मैंने दिया है। तो दोनों मशीन आप देख लेना, बहुत ही अच्छे मशीन है, उसमें फिटिंग्स बहुत अच्छे दिया है, उसमें जो एल्युमिनियम दिए है तो बॉडी बैरिंग हाउसिंग में बहुत ही हेवी दिए हैं। तो ये मशीन बहुत ही लाइट है, तो सस्ते वाले जो भी मशीन होता है थोड़ा लाइट दिए जाते हैं। तो इंको कंपनी का मशीन थोड़े महंगे आपको मिलेंगे, तो इतना सस्ता नहीं है। तो ये जो मशीन है एडवांस कंपनी का बहुत ही लाइट है, अब बहुत ही सस्ते में मिल जाएंगे। तो मेरे से जितना हो पाया हम रियल में कोशिश करते हैं कस्टमर को अच्छे से अच्छे मशीन रिपेयर करके देने की।